राजगढ़ जिले के कलेक्टर ने कुपोषित बच्ची को गोद लिया है। कलेक्टर खुद बच्ची के घर पहुंची और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए अपनी कार में जिला चिकित्सालय लेकर आए। दरअसल जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर निधि निवेदिता ने सेम फ्री अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जिले में 375 अति कुपोषित बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, जज और कर्मचारियों के द्वारा गोद लिया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से इन बच्चों को 26 जनवरी तक अति कुपोषण की श्रेणी से मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर निवेदिता ने खुद धनवास कला में रहने वाली प्रिया तवर नाम की 2 वर्षीय कुपोषित बच्ची को गोद लिया है। कलेक्टर निवेदिता 2 घंटे तक बच्ची के साथ एक मां की तरह रही और उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि समाज को कुपोषित बच्चों के लिए आगे बढ़ना होगा और उनकी मदद करनी होगी ताकि वो भी सामान्य हो सकें और सामान्य जीवन जी सकें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।